तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इस क्लास में फंक्शंस। हमारी ये फंक्शन की पहली क्लास है जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि वीवीए के फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं। उससे पहले जानिए कि फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि इस चीज को जानना जरूरी है कि फंक्शन की जरूरत पड़ती क्यों है, राइट। देखिए, फंक्शन की जरूरत दो केसेस में पड़ती है। पहले केसेस होता है कि आपके पास कुछ ऐसे पहले से फंक्शंस में है जिसको आप मॉडिफाई करना चाहते हो क्योंकि वो फंक्शन सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरा कि आपको जिस तरह का फंक्शंस की जरूरत है उस तरह के फंक्शंस आपको नहीं मिल रहे हैं, राइट सर। और तीसरा रिक्वायरमेंट होता है कि कभी आपको ऐसा काम एक कुछ ऐसी कोड है जो कि आपको एक मैक्रो के अंदर कई बार इस्तेमाल करने हैं, तो उस केस में हम फंक्शंस बनाते हैं। तो फंक्शन की रिक्वायरमेंट तीन केसेस में होती है। पहली केसेस कि बने बनाए पहले से एक्सेल के फॉर्मूले हैं बट बहुत लेंदी है, उसको आपको स्मूथ करना है। दूसरा, जिस तरह की कैलकुलेशन, जिस तरह की आपको इनपुट एंड आउटपुट चाहिए उसके लिए फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी, हाँ तीसरी, जब आपके पास कोई फॉर्मूले ऑलरेडी बने हैं, सॉरी कुछ ऐसा मैक्रो आप बना रहे हैं जिसमें आपके पास उस कोड कई सारे कोड्स को एक कोड को कई सारे जगहों पर रिप्लेस करना है, तो फंक्शन बना के उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, राइट। तो हम वन बाय वन सब चीज को पढ़ेंगे। तो हम पहले बात जानते हैं फंक्शन को मॉडिफाई करना, मतलब कि एक्सेल में पहले से फंक्शन है बट उसको हम अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट में, राइट, मैं फाइल को सेव एज कर देता हूं। प्लीज म्यूट कर लीजिए सर। चलिए, तो मेरे पास एक नेम है, मेरे पास एक नेम है, मैं नेम यहां पे डालता हूं और नेम मेरा कई बार रिपीटेड है, राइट। और इसके सामने कुछ वैल्यू है या कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, अब मुझे इसको लुकअप करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास VVM एक्सेल में, नॉट VVM, एक्सेल में वी लुकअप का फॉर्मूला है, बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लीजिए पूजा का चाहिए तो वी लुकअप फॉर्मूला इसकी पहली वैल्यू को ही शो करता है, उसकी बाकी वैल्यू को शो नहीं करता है। बाकी वैल्यू को शो करने के लिए भी हमने वी लुकअप लिस्टिंग नाम का फॉर्मूला बनाया है, एरे का भी फॉर्मूला है, उसकी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम इज दैट कि वो अलग अलग सेल्स में आते हैं। मुझे इसी सेल के अंदर कॉमा कॉमा करके चाहिए कि कॉमा 36, कॉमा 78, ऐसे कॉमा करके चाहिए, जिसके लिए ऑलरेडी फॉर्मूला नहीं है। तो चलिए हम डेवलपर टैब में जाते हैं और हम फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। फंक्शन देखिए, जैसे माइक्रो को सबसे स्टार्ट करते हैं तो फंक्शन को हम सब्जेक्ट फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। और ध्यान रखिएगा, जब आप माइक्रो में विजुअल एसवी क्लिक करते हैं तो एक मॉड्यूल को इंसर्ट करेंगे और उसी मॉड्यूल में आप प्रोग्रामिंग करेंगे, क्योंकि फंक्शन की प्रोग्रामिंग पब्लिक माइक्रो में होती है, इसलिए हमेशा आपको मॉड्यूल में करनी चाहिए। फंक्शन मैंने यहाँ पे VLA नाम से बनाया, वी लुकअप, और नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। अब इसमें बारी आती है कि क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने डाला कि वी वैल्यू एज ए वेरिएंट, कुछ भी हो सकती है, नंबर, टेक्स्ट, कुछ भी हो सकती है। कॉमा, फिर आर एज ए रेंज,
एंड कॉमा सी एज ए इंटीजर, तो ये आपका फॉर्मूले का डिक्लेरेशन हो गया कि जो फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें क्या क्या इनपुट आएगा। तो वी एल ए नाम का फॉर्मूला है जिसके अंदर तीन इनपुट है, मतलब कि जब हम फॉर्मूला एक्सेल पे लगाएंगे वी एल ए तो हम पहले सेलेक्ट करेंगे पूजा को, तो जो पूजा सेलेक्ट किया मतलब किसको लुकअप करना है वो सेलेक्ट किया, उसकी वैल्यू चली गई किसके ऊपर, वी के ऊपर, जो हमने ब्रैकेट में वी लगाया हुआ है, वी ने इसको कैच कर लिया। उसके बाद बात आती है रेंज की, तो हमने रेंज को सिलेक्ट कर लिया, वो रेंज जो हमने रेंज आर एज रेंज किया है ए टू से ए सी, उस पे असाइन हो गया, और मुझे यहाँ पे वन मतलब कि इसकी अगली कॉलम की वैल्यू चाहिए तो हमने वन कर दिया। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये इस पे स्टोर हो गए, मतलब कि जो पूजा है वी पे स्टोर हो गया, जो रेंज है आर पे सेट हो गया, और जो हमने वन दिया वो सी पे हो गया। अब इनकी मदद से हमें कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करके हमें यहाँ पे डिटेल चाहिए। ठीक है, तो अब आपको ए हमने पहली चरण को पार कर लिया, राइट। अब हम बात करते हैं दूसरी का, मतलब कि पहला होता है कैलकुलेशन, हमने कैलकुलेशन को मतलब पहली बात होता है डिक्लेरेशन, हमने डिक्लेयर कर लिया फॉर्मूले को, तो दूसरा पार्ट क्या होता है कैलकुलेशन, कि फॉर्मूले को कैलकुलेट हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमें इसमें से चाहिए, तो हम यहाँ पे एक और लेते हैं डिम आर एज ए इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए, इंडेक्स आ गया इंटीजर। अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग हम करते हैं, तो सर इसमें आर दो बार ले सकते हैं? नहीं, एक ही बार गलत हो गया, आर की जगह पे मैं के कर देता हूँ, के। हाँ, और यहाँ लिखते हैं डिम के, सॉरी डिम नहीं, फोर फोर एच के इन, फोर इच के इन आर, राइट, नेक्स्ट के, और कंडीशन यहाँ पे एक और वेरिएबल लेते हैं डिम रिजर्व मतलब कि पी एज ए इंटीजर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लिए क्योंकि इस पे वैल्यू कंबाइन होगी, तो इफ के डॉट वैल्यू, सॉरी के एज इंटीजर नहीं है, रेंज है, माफ कीजिएगा यहाँ पे गलत कर दिया हमने, रेंज। हाँ, इफ के डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वी, देन के डॉट ऑफसेट, और यहाँ पे सेम रो और कॉलन हो जाएगा सी जो कि हम डालेंगे, डॉट वैल्यू किसके बाद साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा पी इक्वल टू P के साथ हम कॉन्कैटेनेट करेंगे इसको और हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट नेक्स्ट एंड इफ होगा, एंड इफ, राइट। अब जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करके मैं एंट्री करूंगा, रिजल्ट जीरो आया, क्यों, क्योंकि हम फॉर्मूले की तीसरा चरण नहीं किया। देखिए, हम फॉर्मूले का पहला चरण था ये था असाइनमेंट, हम फॉर्मूले को क्रिएट कर लिए, जो जो वेरिएबल असाइन कर दीजिए, और फॉर्मूले को हमने कैलकुलेट करके रिजल्ट निकाल लिया, लेकिन रिजल्ट सेव कहाँ है, रिजल्ट सेव है पी के ऊपर, राइट। फिर आता है आपका
रिजल्ट असाइनमेंट आता है, डिक्लेरेशन कैलकुलेशन असाइनमेंट। तो पहले हमने फॉर्मूले को डिक्लेयर किया, देन कैलकुलेट कर रहा हूं, उसके बाद हम असाइन कर रहे हैं कि वी एल ए इक्वल टू पी। तो असाइन करने के लिए जो जिस पे रिजल्ट आपका फाइनल सेव है उसको आपको स्टोर कर देना है फॉर्मूले के नाम के ऊपर, क्योंकि फॉर्मूला का नाम भी एक तरह का वेरिएबल होता है। अब यहां देखिए रिजल्ट आपके सामने आ गया सर। अब इसमें एक चीज है कि आगे कॉमा लग रहा है। अब आगे कॉमा क्यों लग रहा है कि फर्स्ट टाइम पी जो है वो हमारा ब्लैंक ही तो है, इसलिए आ रहा है। अगर आप हटाना चाहते हैं तो मैं यहां राइट का फॉर्मा लगा देता हूं कि राइट राइट, और इसमें हमने कर दिया कॉमा, इसकी कंप्लीट लेन माइन यहां हो जाएगा आपका पी माइनस वन। अब आपका देखिए क्लियर है जी सर, डाउट इसमें? क्लियर है सर? सर एक बार फॉर्मूले पे आना, फॉर्मूले पे कोड पे, कोड कोड वो कोड पे कोड। हाँ बोलिए क्या दिक्कत है इसमें। हमने बोला जो रेंज सेलेक्ट किया, फोर इच लूप लगाया कि रेंज जो सेलेक्टेड सेलेक्ट किया गया है फॉर्मूले में उसके हर एक सेल में जाओ, चेक करो कि उसकी वैल्यू क्या इक्वल टू वी, मतलब कि जो हमने जो जिसके को ढूंढ रहे वो है, अगर ऐसा है तो उसकी अगले कॉलम की वैल्यू को कॉमा के साथ कॉन्कनेट कर दो, किसके ऊपर, पी के ऊपर। तो पी में जितने भी वैल्यू कंबाइन होंगे वन बाई वन सारे वैल्यू कंबाइन होंगे जो रिलेट होंगे वी से, और एंड द लास्ट हम उसको स्टोर कर देंगे वी एल ए के ऊपर। तो जैसे अपने फॉर ईच के लिखा है तो के भी रेंज है और आर भी रेंज है। हाँ तो आर एक सिलेक्टेड मतलब कि एक क्लब ऑफ सिलेक्ट हो गई पूरा सिलेक्ट कर लेगा। आर जो है क्लब ऑफ रेंजेज है, ठीक है ना, और इसमें से वन बाय वन रेंज असाइन हो रहा है के के ऊपर, इसलिए तो हमने फोर लूप लगाया क्योंकि एक सांस पूरे रेंज को चेक नहीं कर सकता ना, वो चेक तो वन बाय वन ही करेगा ना, इसलिए हमने यहाँ पे फोर इच इच मतलब समझते हैं क्या वन जी जी वन बाय वन समझ गए। अब चलिए अभी जो हमारी नई एक्सेल आई है 2019 में एक फॉर्मूला है कॉनकेनेट का, कॉनकेट माफ कीजिएगा, कॉनकेट नाम का फॉर्मूला है। वैसे मान लीजिए कि हमारा पूजा है, इसी को ले लेते हैं, इसी नाम को ले लेते हैं। तो मुझे सारे जितने भी नाम है हमारे 100 है, इस 100 नाम को मुझे एक ही सेल के अंदर कंबाइन करना है। तो जनरली आप लोग क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं कि एंड कॉमा नहीं एंड 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 होता है एंड इस तरह से कॉमा लगा सुन लॉन्ग कॉन्केट ही करता है, इस तरह से कंबाइन कर देता है, ठीक है। तो कॉमा भी लगा सकते हैं जी, हाँ कॉन्केट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन 2019 में कॉन्केट नाम का फॉर्मूला आया है कॉन्केट, ठीक है ना। इस फॉर्मूले में क्या है कि अगर आपने सिलेक्ट कर लिया एक रेंज, इसके रेंज के जितने भी है वो सारे आपस में कंबाइन हो जाएंगे। लेकिन ये फैसिलिटी 2016 तक नहीं है, 2016 में हमें वन बाई वन ही करना पड़ता है। तो 2016 में नहीं है तो क्यों ना हम मैक्रो के जरिए फॉर्मूला बना ले जी, क्या सही है। चलिए हम बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं फंक्शन और कॉन्केट नाम से, ठीक है, और इसमें हम देते हैं n एज ए रेंज, राइट, और फिर यहां पे देते हैं dim r एज ए रेंज और for each r in n next r, और यहां पे हम एक वेरिएबल देते हैं कि dim s एज ए स्ट्रिंग
और फिर यहां देते हैं कि एस इक्वल टू एस के साथ कंबाइन होगा, सेम मेथड जो यहां पे है, इसमें कॉमा लगा देंगे, ठीक है। नहीं इसमें कॉमा नहीं है क्योंकि कॉन्केट फॉर्मूला में कॉमा नहीं है, तो अगर आप हम लगाना पड़ जाए तो मैं बता रहा हूँ, रुकिए ना एक मिनट। जी आर डॉट वैल्यू और इसके बीच में स्पेस होना जरूरी है और नेक्स्ट आर है, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं इस फॉर्मूले को लगाता हूँ कॉन्केट के फॉर्मूले को, लेकिन रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हमने बताया था फॉर्मूला का तीन चरण होता है, असाइनमेंट मतलब सॉरी डिक्लेरेशन कैलकुलेशन एंड असाइनमेंट। हमने डिक्लेयर किया कैलकुलेट किया बट असाइन नहीं किया हमने, एस को करना पड़ेगा, कॉन्केट इक्वल टू एस अब आएगा, राइट। अब इसी तरह से इसमें क्या है कि आप सेपरेशन नहीं डाल सकते हो सर, इसमें स्पेस नहीं दे सकते। मैं बात तो पूरी करने दीजिए, जो 2019 का फॉर्मूला है उसमें स्पेस डालने की फैसिलिटी या किसी भी तरह के सेपरेटर डालने की फैसिलिटी नहीं है, राइट। लेकिन 2019 में ही एक फॉर्मूला आया है टेक्स्ट ज्वाइन, राइट। तो उसके अंदर में आप रेंज सेलेक्ट कर दीजिए और कॉमा डाल दीजिए कि क्या क्या आपको डालना है, ठीक है। तो इसी फंक्शन को हम रिपीट कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे कॉमा कर देते हैं यहाँ पे कि एस नहीं, हम बोल देते हैं के एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे हम एस के साथ यहाँ पे के को लेते हैं और एन परसेंट करते हैं और यहाँ पे आपके सामने, राइट। और यह हो जाएगा आपका फॉर्मूला का नाम टेक्स्ट ज्वाइन। और यहां भी हमारे पास टेक्स्ट ज्वाइन दो फॉर्मूले आ गए, राइट। अब मैं इक्वल टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला इस्तेमाल करूं और इसको सिलेक्ट कर लूं और कॉमा बोलूं कि इसके बीच में मैं डैश लगाना चाहता हूं तो डैश आ जाएगा, लेकिन एक हमेशा पहले आएगा जो कि प्रॉब्लम यहां पे थी। तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए वही हम राइट का फॉर्मूला अपनाएंगे कि राइट ब्रैकेट ओपन एस और यहां पे कॉमा लेन इसकी कंप्लीट लेन और इसमें हम देंगे एस माइनस वन, राइट सर। और इसके बाद इस पर डबल क्लिक कीजिए आपका हट जाएगा, क्लियर है, कोई डाउट इसमें। हाँ तो इसमें से दोनों कंबाइन कर दूं तो यही काम चल रहा है, दोनों हाँ एक साथ जी, समझ गया जी सर। तो अब इसमें हम बात कर रहे हैं, ये तो हो गया हमारा, अब इसमें हम ये तो चलो ठीक है, लेकिन अब इसमें बात हम कर रहे हैं इसके साथ कि हमने हमने फॉर्मूले की तीन रिक्वायरमेंट को बताया था, जो कि पहला रिक्वायरमेंट था हमारा कि फॉर्मूले को मॉडिफाई करना, जो कि मैंने आपके सामने शेयर किया। और मुझे लगता है कि मैंने जो कोड यूज किया है इसमें से कोई ऐसा कोड आपको नहीं आता हो, मोस्टली कोड आपको आता है, मैं पढ़ा चुका हूं, राइट। तो मैं चाहता हूं कि आप जो है इसी तरह के कम से कम 5 माइक्रो बनाएं और मुझे मेल करें, क्या मैं आपसे आशा कर सकता हूं? जी सर, क्योंकि ये फॉर्मूले एक्सेल के फॉर्मूले हैं तो आप इसके बिहेवियर से सिमिलर है, आप उसको ऑटोमेट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब आप खुद के फॉर्मूले क्रिएट करने चलेंगे जो कि बीवीए के फॉर्मूले हैं तो उसमें दिक्कत होने की चांसेस हैं, इसलिए मैं आपको पहले इस फॉर्मूले को पढ़ाया। तो आप क्या कीजिए, आप जो है इस फॉर्मूले को अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करें, 5-6 फॉर्मूले बना के मुझे दीजिए, फिर अगली क्लास में हम आपको कुछ और एग्जाम्पल देंगे और फिर हम आगे फॉर्मूले की बात करेंगे, ठीक है। ओके सर,
ओके ओके बाय।